कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है चाइना के साथ। चीन के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है और चीन ने इस वक्त इतिहास रच दिया है क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी गई है और वो भी कहां देखी गई, चाइना के अंदर। चाइना के फॉरेन रिजर्व में बहुत बड़ी गिरावट और ये गिरावट एक बहुत ही डरावने सच को बता रही है। जानेंगे चाइना का खजाना, चाइना का सोने का भंडार, ये दोनों कैसे तबाह हुए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिसंबर महीने से भारत में खजाने की बरसात हो रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में ना इस वक्त पूरी चीजें, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, ये पूरी तरीके से खराब ही चल रही है। चीन के आर्थिक हालात अच्छे नहीं चल रहे, चीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और इस बीच चीन में एक नया चलन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में कई यंग प्रोफेशनल अपनी अच्छी खासी सैलरी छोड़कर पार्टियां करने हैं। ये पार्टियां इतनी बड़ी होती है कि किसी शादी समारोह जैसे कार्यक्रम से कम नहीं होता है। चीन में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इसके बावजूद 20 साल के युवा अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि युवाओं का कहना है कि उन्हें सैलरी काफी कम मिल रही है और वो काम से बहुत जल्दी थक जाते हैं। चीनी सोशल मीडिया पर इन रिजाइन पार्टी के बारे में पोस्ट बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। खैर, आपको बता दें, कहा तो ये जा रहा है कि 28% कर्मचारियों ने चाइना में अलग अलग सेक्टर में इस्तीफा दे दिया है और वो भी तब जब चाइना के अंदर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रियल इस्टेट सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है, बैंकिंग सेक्टर भी तबाह हो चुका। वैसे तो एक कहावत है कि अमेरिका छींकता है तो बाकी दुनिया को सर्दी लग जाती है, लेकिन जब चीन को लकवा मार दे तो क्या होगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय कई समस्याओं का सामना कर रही है, इसमें धीमी वृद्धि दर, उच्च युवा बेरोजगारी, रियल इस्टेट क्राइसिस शामिल है। ऐसा वक्त आ गया है कि भारी कर्ज में डूबे चीन के प्रसिद्ध रियल इस्टेट डेवलपर एवरग्रांड के चेयरमैन को पुलिस निगरानी में रखा गया है। एवरग्रांड के शेयरों को भी शेयर बाजार से हटा दिया गया है, लेकिन ये मुद्दा चीन के लिए बड़ा सिर्द बना हुआ है। आपको बता दें, चाइना की अर्थव्यवस्था में भयानक गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ न कुछ झटका जरूर देगी। एप्पल, फॉक्सवैगन, बर्बेरी जैसे सैकड़ों बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन के विशाल बाजार में पैसा कमाती थी, लेकिन अभी उनमें देखने को मिलेगी गिरावट। वैसे इसका असर ऐसा होगा कि चीन की हिस्सेदारी दुनिया में 40% ग्रोथ में है, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ असर तो जरूर होगा। पर चीन में मांग कम हो रहा है, लोग यहाँ पर अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं, तो ऐसे ही चीन का सामान खरीदना भी नहीं चाह रहे हैं और चाइना को अपने देश में मुश्किलों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के फॉर्मर सेंट्रल बैंक के चीफ थे, ये सीसीपी के सदस्य भी थे। चाइना ने बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन जो फॉर्मर थे उनको अपनी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया है। मन में आएगा, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी से किसी छोटी सी वजह से निकाला होगा। जी नहीं, पहली बात कि ये ली लियांगचे नाम है इनका और इनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस था फाइनेंस के सेक्टर में, इन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया हुआ था। 1961 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने सेंट्रल पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इन सारी चीजों में बहुत लंबा काम करते हुए 2019 में ये बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन बने थे। इसके ऊपर पार्टी ने क्या आरोप लगाया है, पार्टी का कहना है कि इन्होंने खूब घूस लिया, खूब अपना मनोरंजन किया, प्राइवेट क्लब में गए, रिजॉर्ट में गए और खूब मौज मस्ती की, घूस लेकर ऐसे लोगों को लोन दिया जिन्हें लोन नहीं देना चाहिए था। इस वक्त जो रियल इस्टेट का सेक्टर इस वक्त डुबा रहा है चाइना को, उसे लेकर उन्होंने इसे बाहर किया। बाहर करने का अर्थ ये हो गया कि अब कानूनी कार्रवाई इस बंदे पर करना चाइना के लिए आसान होगा। अभी ये सारी उथल पुथल मच रही थी कि एक और बड़ी खबर आ जाती है। स्क्रीन पर आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गिरावट माना जा रहा है कि एक बार में $45 बिलियन निकल गया है चाइना का। ये जो फॉरेन रिजर्व का आंकड़ा देख रहे हैं, इस आंकड़े में अगस्त महीने से ही
गिरावट देखने को मिल रही थी। $45 बिलियन का लॉस हुआ है चाइना को और चाइना की इकोनॉमी इस वक्त 3.11 ट्रिलियन की फॉरेन रिजर्व रह चुका है। अब सिर्फ इस फॉरेन रिजर्व में ही गिरावट नहीं मिली है बल्कि जो डॉलर है उस डॉलर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना नहीं, जो सोने का भंडार है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे तो आप लिस्ट देखेंगे 1 से लेकर 10 तक सभी में कुछ न कुछ गिरावट आपको देखने को मिल ही रहा है। चाइना जहां $45 बिलियन के आसपास, तो जापान में भी कुछ 13 से 15, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। भारत में भी $2 बिलियन की गिरावट देखने को मिल रहा है। एक ही देश है सऊदी अरब जिसमें $115 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर चाइना का जो ये ग्राफ है, चाइना का ग्राफ बता रहा है कि बहुत तेजी से धड़ाम हुआ है। क्यों धड़ाम हुआ है तो आपको बता दें, यहाँ चाइना की होशियारी उसके फॉरेन रिजर्व को कम कर गई, क्योंकि चाइना ने फॉरेन रिजर्व से काफी सारा पैसा निकाला और इस पैसे को अपनी इकोनॉमी में डाला, डॉलर को खरीदा, बहुत सारे हेर फेर किए और यही वजह है कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे पड़ोसी का जब ये हाल है तो भारत का क्या है, तो आपको बता दें भारत का ना इस वक्त सचमुच में चारों दिशाओं से ये कहें कि ब्रह्मांड साथ देने को तैयार है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, इसे देखकर आपको यही समझ में आएगा। जेपी मॉर्गन ने जैसे ही भारत को अपने इंडेक्स में लाया, यानी भारत भी जेपी मॉर्गन के इंडेक्स लिस्ट में शामिल हुआ, भारत का रुतबा तो बढ़ ही गया। अब जेपी मॉर्गन के जो एक्टिव फंड्स हैं वो भारत की इकोनॉमी में शुरुआत कर रहे हैं दिसंबर महीने से ही। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसके तहत जेपी मॉर्गन के एक्टिव फंड $300 बिलियन भारत में लगने जा रहे हैं। ये बस एक शुरुआत है। कहा जा रहा है जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़ता चला जाएगा और जो रूप देख रहे हैं भारत का, ये बहुत तेजी से बदलता नजर आएगा। खैर, कहते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ब्रह्मांड भी उसका ही साथ देती है। आप देखेंगे सिर्फ कूटनीति नहीं, इस वक्त पूरा ब्रह्मांड ऐसा लग रहा है जैसे भारत को आगे करने के लिए लगा हुआ है और चाइना को पीछे दबोचने के लिए लगा हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।